आजकल बहुत हमारे जज्बात से जुड़ा हुआ है। 125 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है और एक एक जितना भी अली यहाँ पर पढ़ा है सब टक टकी लगा देख रहे थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ। इस आदेश आने के बाद ये भी साफ हो गया यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति नहीं होती। हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन खान, अब्दुल गफार खान, लियाकत अली खान, नसरुद्दीन शाह, जावेद अख्तर, प्रोफेसर इरफान हबीब, रविंद्र जैन, कैफी आजमी, राही मासूम राजा, ध्यानचंद, लाला अमरनाथ, ये लिस्ट बेहद लंबी है। ये सभी अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इन सब में कॉमन क्या है? ये सभी AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं। ये उस यूनिवर्सिटी के छात्र हैं जिसने भारत ही नहीं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव जैसे देशों को उनके सर्वोच्च नेता मतलब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दिए। आलम यह है कि आप समाज के किसी भी क्षेत्र पर अपनी उंगली रखिए और उसके दिग्गजों की लिस्ट बनाइए, वो लिस्ट AMU के बिना अधूरी होगी। स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में। मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन TV। दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से। भाजपा RSS की उस सोच को सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है। आज बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का जो दर्जा था उसे आज सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से बहाल कर दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है और अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा AMU को दोबारा से बहाल कर दिया है। कई छात्र ये खबर सुनकर भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू छलक गया है। छोटी सी एक क्लिप उनकी दिखाता हूँ आपको कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, देश भर का मुसलमान सराखों पर उसको सराहता है, शुक्रिया अदा करती है और इस फैसले को हम सराखों पर रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आज ऐतिहासिक आदेश है। हमारे AMU के लिए ऐतिहासिक दिन है आज के दिन। आज का दिन हम सुनहरे अल्फाजों से लिखा जाएगा। हमारे पूरे अलीगढ़ फ्रेटर्निटी के लोग जितने भी लोग हैं, आज का ये बहुत ऐतिहासिक है। हमारे जज्बातों से जुड़ा हुआ है। 125 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है और एक एक जितना भी अली यहाँ पर पढ़ा है सब टकटकी लगा के देख रहे थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ। इस आदेश आने के बाद ये भी साफ हो गया यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति नहीं होती। हमारे हिंदू भाई भी हमारे साथ खड़े यहाँ पर, जो हमारे साथ मिठाई खा रहे हैं आज। इस फैसले के शुक्रिया अदा करते हैं हम सुप्रीम कोर्ट का, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उनका काम विरोध करना था, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का जो न्याय संगत लगा वो न्याय संगत फैसला आया है, तो हम उसके साथ हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो सलाह को लोग हमारे। कितने खुश हैं और कितने भावुक हैं, कितने AMU से लोग जुड़े हुए हैं। DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 370 के मुताबिक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक के दर्जे को कायम रखते हुए नियमित पीठ के पास भेज दिया है। दरअसल 7 जजों की इस पीठ में से 4 जजों ने इसका सपोर्ट किया और 3 जजों ने इसका विरोध किया, लिहाजा 4-3 से ये फैसला आया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर दिए गए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 1967 के अजीज पाशा बनाम भारत गणराज मामले में दिए गए अपने फैसले को आज पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में कहा, अगर कोई संस्थान कानून के तहत बना है तो वो अपना अल्पसंख्यक संस्थान का दावा कर सकता है। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा या नहीं, इसका फैसला पीठ करेगी। 2006 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना था। असल इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की पीठ ने मामले को 7 जजों की पीठ के पास भेज दिया। उन 7 जजों में से आज 4 जजों ने इसके हक में फैसला दिया, जबकि 3 जजों ने इसके खिलाफ तर्क दिए। आइए जानते हैं कि किन 4 जजों ने इसके हक में फैसला दिया और किन 3 जजों ने इसके खिलाफ फैसला दिया। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने संविधान के अनुच्छेद 370 के मुताबिक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को कायम रखने के पक्ष में फैसला दिया। पीठ में शामिल जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश वर्मा ने इसके विपरीत तर्क दिए। इस मशहूर अदारे की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खां की अगुवाई में मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में की गई थी। इस साल के बाद 1920 में इसे विश्वविद्यालय में तब्दील कर दिया गया।